आपके नोज के साइड में एक बड़ा सा स्कार है, कैसे हुआ है ये स्कार? बचपन में जला था, काफी छोटे किस चीज से जला था बताया था लोग? अच्छा, हाँ आग से जले थे, जैसे प्लास्टिक प्लास्टिक जला रहे थे। वो चिपक गया। वही चीज चिपका था। और आप आए हैं कहाँ से? सिंगरौली MP। MP से आए हैं, और दो छोटा छोटा स्कार इधर भी है, वो भी उसी समय हुआ था। जी तो अभी इस सारे स्कार के लिए हम लोग इसका रिवीजन सर्जरी करेंगे विथ लेजर। जी आप मेरा वीडियोस वगैरह देखते हैं और वो देख के फिर आए हैं। जी क्या देखा लोगों का, इसका ठीक हो जाता है? तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखे थे इसके वजह से। आपका भी ठीक हो जाएगा। करते हैं इसका रिवीजन सर्जरी विथ लेजर। इसी जगह नाक के ऊपर आई के कॉर्नर के पास स्कार था बड़ा सा, और एक स्कार था आपका यहाँ पे। एक सप्ताह पहले स्कार रिविजन सर्जरी की गई थी, आज स्टिच निकाले हैं और दोनों जगह अच्छा लग रहा है। स्कार खत्म हो गया है, हल्का सा पिंक कलरेशन दिख रहा है। ये फिर जैसे स्किन मैच्योर करेगा, आप एंटी स्कार मेडिसिन, सिलिकॉन जेल, सनस्क्रीन लगाएंगे, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आप आए हैं MP के सिंगरौली से, सिंगरौली MP बहुत दूर से, तो जी, यहाँ के बारे में कैसे पता चला था? यूट्यूब। यूट्यूब से अच्छा लगा यहाँ का रिजल्ट पहले आपको, जी तो आपको अपना रिजल्ट भी अच्छा लगना चाहिए और जी लगेगा। जी एकदम बहुत नज़दीक करके हम जूम करके दिखा रहे हैं। तो इस तरह का रिजल्ट अगर इसका रिवीजन में Day 7-8 पे मिलता है तो आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा। कई बार लोग बताते हैं कि स्टिच कटने के समय डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ आने वाले आगे 3-4 महीने में ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैक्सिमम रिजल्ट मिलना चाहिए वो इंस्टेंट उसी समय, ऑब्वियसली आने वाले टाइम में इसमें चेंजेस आएगा, ये मैच्योर करेगा और भी अच्छा दिखेगा।